श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 29 अक्टूबर शनिवार के दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि है। इस बार की चतुर्थी 2 दिनों तक रहेगी। ज्यादातर भक्तजन 29 अक्टूबर शनिवार को विनायक चतुर्थी मना रहे हैं। अगर आप भी इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत उपवास रखकर भगवान गणेश की पूजा करने वाले हैं तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस व्रत उपवास के साथ में आपको यह छोटा सा उपाय भगवान गणेश और महादेव के पूरे परिवार को खुश करने के लिए करना है। आपको क्या करना होगा कि सबसे पूर्व आपको इस दिन व्रत उपवास रखना है। प्रातःकाल स्नान आदि करके 11 लौंग, 11 इलायची और 2 दीपक लेने हैं। इन 2 दीपक में से 1 दीपक घी का आप अपने साथ और यह सब सामग्री एक शुद्ध लोटा जल लेकर किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि जो 11 लौंग आप लेकर आए हैं उसे शिवलिंग के इन भागों पर अर्पित कर दीजिएगा। सबसे पूर्व आपको कुछ लौंग पहले शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद गणेश जी वाले स्थान पर, थोड़े थोड़े लौंग आपको कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करिएगा। बाकी बचे हुए लौंग जलाधारी वाली जगह पर अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो इलायची आप लेकर आए हैं उसे भी इन सभी स्थानों पर अर्पित करिएगा। यह सब करने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिएगा। उसके बाद में जो शुद्ध लोटा जल आप लेकर आए हैं उसे शिव को अर्पित कर दीजिएगा। बिल्कुल पतली धार से धीरे धीरे शिव को जल अर्पित करिएगा और एक जो घी का दीपक आप मंदिर में अपने साथ लाए हैं उसे मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब घर आने के बाद में आपको प्रदोष काल के वक्त अपना व्रत उपवास खोलने से पहले शमी पत्र के वृक्ष के नीचे यह एक और घी का दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान गणेश के साथ में महादेव के परिवार की और शनिदेव की भी कृपा इससे आपको प्राप्त होगी। मैं आशा करता हूँ आपको इस उपाय से जुड़ी हुई सभी जानकारी विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक समझ आ चुकी होगी। विनायक चतुर्थी को आपको यह छोटा सा उपाय करना है। भगवान गणेश का नाम लेते हुए प्रदोष काल के वक्त आपको शमी पत्र के वृक्ष के नीचे यह दीपक लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कष्टों से मुक्ति, परेशानियों का जो दौर चल रहा है वो भी खत्म होगा। साथ ही में पूरे महादेव के परिवार की कृपा आपको प्राप्त होगी। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से जुड़ी हुई सभी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अगर ऐसे ही वीडियो आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।